हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक और यूज़फुल वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तांबे के बर्तन घर पर ही साफ़ करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका। और मैं साफ़ करने वाली हूँ अपनी कई साल पुरानी तांबे की गड़वी को। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इसी के साथ मोनिकास DIY में आपका स्वागत है। तो ये तांबे की गड़वी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मैली है, और ये कई साल पुरानी तांबे की गड़वी है। आज मैं आपके सामने इसे साफ़ करने वाली हूँ और बिल्कुल इसे नए जैसी बना देंगे। तो चलिए, बहुत ही आसान सा तरीका है और सारा सामान तकरीबन घर में ही होता है जिससे मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको तांबे की गड़वी दिखा देती हूँ। गड़वी को साफ करने के लिए मैंने लिया है इमली का पेस्ट। तो थोड़ा सा इमली का पेस्ट लेंगे, तकरीबन एक चम्मच के करीब, क्योंकि ये गड़वी बहुत ही ज़्यादा पुरानी है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि कितना बदल चुका है। तो हम इमली का पेस्ट गड़वी के अंदर और बाहर लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इमली का पेस्ट लगाते ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी पुरानी मैल जमी है तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो मैंने इमली का पेस्ट लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक चम्मच नमक लेंगे और साथ में लेंगे नींबू। तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू ले लिया है। तो अभी नींबू के साथ नमक लगाकर हम इस गड़वी को रगड़ेंगे। तो इसी तरह से हम सारी गड़वी को अंदर से और बाहर से नींबू और नमक के साथ रगड़ लेंगे। अगर आपके घर में भी तांबे के कोई बर्तन है तो आप इसी तरीके से उनको बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। मैंने अंदर से भी इसको नींबू से और नमक से साफ कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इमली का पेस्ट लगाने के बाद और फिर उसके बाद नींबू और नमक लगाकर साफ करने के बाद भी ये कुछ इस तरह की साफ हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके बीच बीच में अभी भी थोड़ा सा कालापन है। जैसे जैसे तांबे के बर्तन पुराने होते जाते हैं ये काले होते जाते हैं, तो इसमें बीच बीच में इस तरह से कालापन है। इसको भी मैं निकाल दूंगी। तो इसके लिए मैंने लिया है स्कॉच ब्राइट, और स्कॉच ब्राइट को मैं नमक और नींबू के साथ ही लगाकर इसे रगड़कर साफ करूंगी। तो ये बिल्कुल नए जैसा बन जाएगा, जहां पर भी जो मैल है वो सारी निकल जाएगी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तांबे के बर्तनों में खाना खाना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर ये मैले पुराने हो जाते हैं तो फिर देखने में भी अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से अगर आप चमकाकर किचन में रखेंगे तो बहुत ही सुंदर भी दिखते हैं। तो इस तरह से बिना कोई साबुन यूज़ किए भी तांबे के बर्तनों को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। जहाँ जहाँ पर भी मैल है वहाँ वहाँ से हम स्कॉच ब्राइट से रगड़ देंगे। इसी तरह से आप अपने घर में तांबे के जितने भी बर्तन हैं उनको साफ करके चमका सकते हैं। तो लीजिए, तांबे की गड़वी बिल्कुल नई जैसी हो चुकी है, पूरी तरह से इसकी मैल उतर चुकी है।
आपको तांबे के बर्तन साफ करने का ये तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो अभी हम इस गड़वी को एक बार साफ पानी में से धो लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से चमक गई है, बिल्कुल नई जैसी हो गई है। मैंने इसे साफ़ पानी में से धो लिया है तो गड़वी आपके सामने है और जो पहले गड़वी थी वो भी आपने देखी है और साफ़ करने के बाद ये बिल्कुल नई जैसी हो गई है। आप अपने घर में रखे हुए तांबे के बर्तनों को किस तरीके से साफ़ करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ एक और नए यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें मोनिकास DIY।